ये एक समांतर चतुर्भुज है ओ ए बी सी, तो हम जानते हैं कि रेखा ओ ए है ये बी सी के बराबर है और ओ सी है वो ए बी के बराबर है। अगर ओ ए से किसी सदिश को रिप्रेजेंट किया जाए और ओ सी से एक दूसरा सदिश को रिप्रेजेंट किया जाए, निरूपित किया जाए, माना कि ये है वेक्टर पी और ये है वेक्टर क्यू, तो समांतर चतुर्भुज में क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती हैं और समांतर भी होती हैं, तो ओसी को एसी वेक्टर एबी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि वेक्टर ओसी इज इक्वल टू वेक्टर एबी। तो अब त्रिभुज का नियम लगाकर वेक्टर ओए के अंतिम बिंदु पर वेक्टर एबी का प्रारंभ बिंदु रखा, तो इस तरह से इन दोनों का जो परिणाम ही आ गया वो वेक्टर आर इस त्रिभुज के विकर्ण के बराबर होगा जो कि जो दोनों सदिश दे रखे थे उनके बीच में से जाएगा, यानी कि ये वाला विकर्ण नहीं होगा। वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू अगर देखें तो ये हो गया वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओसी, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओबी इक्वल्स टू वेक्टर आर। इसी प्रकार से अगर ओए को सीबी के बराबर रख के और फिर जोड़ा जाए तो फिर भी ये परिणाम ही यही प्राप्त होगा, यानी कि अगर वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी करें तो ये हो गया वेक्टर ओसी, ओए को हम जोड़ रहे हैं तो ओए के स्थान पर हम लिख सकते हैं सीबी, तो ये हो गया वेक्टर ओ बी के बराबर। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि वेक्टर ओए और वेक्टर एबी, तो वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी, तो ये दोनों हट जाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ओबी। इसी तरह से वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीबी, तो इसमें से सी हट जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ओबी। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। सदिश बहुभुज नियम, एक बहुभुज है जिसकी कई सारी भुजाएं हैं, और ये बंद बहुभुज है, माना कि ये है ओ ए बी सी डी ई और एफ। अगर इस बहुभुज में की भुजाओं ओ ए ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ को क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई और वेक्टर एफ से निरूपित किया जा सके, तो जो बहुभुज की अंतिम भुजा जो होती है विपरीत दिशा में इन सभी के परिणामी के बराबर होगी। माना कि ये वेक्टर पी के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो वेक्टर पी है जो विपरीत दिशा में है बहुभुज में, इन सभी सदिशों के योग के बराबर है। तो हम देखते हैं कि वेक्टर ए और बी, हमने कोई इसको वेक्टर लिया जी, वेक्टर जी प्लस सी जो कोई वेक्टर हो गया एच, वेक्टर एच और वेक्टर डी ये हो गया वेक्टर आई, वेक्टर आई और वेक्टर ई ये हो गया वेक्टर जे, और वेक्टर जे और वेक्टर एफ ये हो गया वेक्टर पी के बराबर। अगर हम इसको लिखें तो अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
प्लस ई प्लस एफ, इसको हमने लिखा वेक्टर जी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। जी और सी को हमने लिखा वेक्टर एच प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। एच और डी को हमने लिखा वेक्टर आई प्लस ई प्लस वेक्टर एफ। ई आई और ई को हमने लिखा वेक्टर जे के बराबर प्लस एफ। और जे और एफ इस त्रिभुज के नियम अनुसार ये त्रिभुज के दो भुजाएं क्रम से दो सदिशों को निरूपित कर रही हैं, इसलिए विपरीत दिशा में जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो इनके दोनों का योग होगी। हम त्रिभुज ओ ई एफ की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया वेक्टर पी। अब वो माना कि कोई वेक्टर क्यू है जो इस दिशा में है, एफ से ओ की दिशा में, वेक्टर एफ ओ है कोई वेक्टर क्यू। तो यहां से हम देखते हैं कि वेक्टर पी है वो वेक्टर माइनस क्यू के बराबर हुआ, क्योंकि वेक्टर पी तो हो गया एफ ओ, एफ ओ का ऋण वेक्टर लिखेंगे ओ एफ, ओ एफ का जब ऋण वेक्टर लिखेंगे तो वो हो गया वेक्टर एफ ओ, यानी कि वेक्टर पी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर क्यू। तो इन सभी सदिशों का योग वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो वेक्टर पी के बराबर था उसको हम माइनस वेक्टर क्यू के बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अगर इसी दिशा में वेक्टर ले लें क्यू और बहुभुज है वो बंद बहुभुज है तो जो योग है वो शून्य होगा। इसका विपरीत भी सत्य है कि अगर किसी बहुभुज की सारी भुजाओं को क्रम से किसी किन्हीं सदिशों से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका योग है वो शून्य होगा। कैसे भी हम बहुभुज ले लें और क्रम से उनकी भुजाएं होनी चाहिए तो इन सभी सदिशों का जो योग है वो शून्य होगा। इसकी विपरीत दिशा भी सब की हो सकती है, सभी सदिशों की एक ही दिशा होगी तो क्रम से जब उनको योग करेंगे तो उनका योग है वो शून्य होगा। और अगर ये अंतिम जो सदिश है अगर बाकियों के सदिशों का योग निकालना है तो अंतिम सदिश है वो विपरीत दिशा में होगा और इन सभी का योग भी होगा। द्विघात समीकरण के मूल, अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो उसके दो मूल होंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के बराबर। तो जब भी हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं तो ये जो ए बी और सी हैं ये कोफिशियंट्स कहलाते हैं। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी है एक्स का कोफिशियंट और सी है कॉन्स्टेंट टर्म। इसको इस रूप में लेके आते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस दो मूल निकलेंगे एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन होगा जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक्स टू होगा जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो इस प्रकार से हमें दो रूट प्राप्त हो जाएंगे। समांतर श्रेणी, अगर कोई श्रेणी है दो प्लस पांच प्लस आठ प्लस ग्यारह प्लस इसी तरह से एन टर्म्स, तुम देखते हैं कि इनमें लगातार तीन का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो इस प्रकार की श्रेणियां जिसमें कि सार अंतर समान हो जिसको हम डी भी लिखते हैं तो वो इस प्रकार की जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाती हैं। और इसका जो एनवा पद है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर कि ए है ये पहला पद है, एन है एन पद, ये दस भी हो सकते हैं पंद्रह भी हो सकते हैं बीस, जितने भी पद हैं इस श्रेणी में वो एन है और डी है साल अंतर। इस प्रकार से एन पदों का योग हमें ज्ञात हो जाएगा, एन पदों एनवा पद ज्ञात हो जाएगा।
एस एन पदों का योग अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन पदों का योग हो गया। इसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणियां होती हैं, जैसे कि कोई श्रेणी है इसको तो कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे कोई श्रेणी है एक प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे चार प्लस एक बटे आठ, इसी प्रकार से एन टर्म्स। तो सर्वांतर के लिए हमें क्या करना होता है कि आगे वाले, यहां पर तो हमने आगे वाले पद को पीछे वाले पद में घटाया था तो तीन प्राप्त हो रहा था, यहां हमें आगे वाले पद का भाग देना होता, आगे वाले पद में पहले वाले पद का भाग देना होता है, और इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। और यह हो जाता है जैसे एक बटे दो बटे एक तो यह हो गया हाफ, इसी प्रकार से एक बटे चार बटे एक बटे दो तो यह हो गया एक बटे चार इंटू दो बटे एक फिर दो। तो सार्व अनुपात को हम आर से लिखते हैं तो यहां पे आ गया हाफ, और इसमें जो एनवा पद है वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, एनवा पद होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, या ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये किन परिस्थितियों में होता है वो हम तब देखेंगे जब इस गुणोत्तर श्रेणी का उपयोग करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर लें कि जब ये डिफरेंस जब समान होता है तो इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, इसको सर्वांतर कहते हैं। इसका एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एन पदों का योग एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। गुणोत्तर श्रेणी में अनुपात बाद वाले पद के पहले वाले पद का जो अनुपात है वो हमेशा समान होता है, कॉमन रेशियो कहते हैं उसको, सार्व अनुपात, यहाँ पर सार्व अनुपात हाफ है। तो एनवा पद है वो ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ की एन है कुल जो पद है इसमें श्रेणी में, और एन पदों का जो योग है वो ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, यानी कि जब रेशियो है एक से कम होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कॉमन रेशियो, जब कॉमन रेशियो एक से ज्यादा होगा तो ये वाला अनुपात, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n पदों के योग के लिए a इंटू आर टू पावर एन माइनस वन ऑन आर माइनस वन।